अली फजल नहीं, सुना दीजिए। सब प्यार ही है ना, प्यार है प्यार। अर्जुन सर, अर्जुन सर, अर्जुन सर, सर लेफ्ट में देखे जरा सर, अर्जुन पिंक जी, हाउ वाज द मूवी? यार आई एम इन शॉक आफ्टर सीइंग इट, बिकॉज इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म है और बहुत ज़रूरी फिल्म है हमारे देश के लिए। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस और जो सुन रहे हैं पिक्चर के बारे में जितना कहे कम है, हम सब के लिए ज़रूरी है। आई थिंक वी ऑल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आफ्टर वॉचिंग अ फिल्म लाइक दिस, कि कहीं ना कहीं हमारे देश की सोच विचार की धारा बदलना अब आवश्यक हो गया है। जब आपको एक फिल्म इतना इमोशनली स्टर करती है, यानी कि आपके आसपास मैं गंदगी नहीं कहूँगा पर जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और कभी कभी आपको एहसास होता है कि यू हैव टू ऑल्सो प्ले अ पार्ट। एंड आई थिंक सुजीत सरकार एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर टू हैव द एबिलिटी टू टेल द स्टोरी लाइक दिस, एंड एवरीबडी, सारे एक्टरों से लेके जो टेक्नीशियन है, आई थिंक दे ऑल डिजर्व टू बी अपलॉडेड। इट्स डेफिनेटली अप देयर एज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ दिस ईयर। कहीं आप मानते हैं कि देश के उन लोगों को देखना चाहिए जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते? पीछे समा लग जाए, गिर जाओगे दादा इस तरह बात। देश के उन लोगों को देखना चाहिए जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन लोगों को खास तौर पे देखना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे? यार देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू किसको देखनी, आई थिंक सबको देखनी चाहिए, जो युवा पीढ़ी है उनको देखनी भी चाहिए, बिकॉज फिल्म में मैं आई वुडंट वांट टू गिव द डिटेल्स ऑफ व्हाट द फिल्म इज अबाउट, बट जो अंगद बेदी का कैरेक्टर है, ऐसे लोग मैं भी मिल चुका हूँ जो होते हैं युवा पीढ़ी का, नए जमाने के, लेकिन सोच विचार की धारा पुरानी होती है, तो हमें सोच बदलनी है, ये एक जरिया है, इससे चर्चा शुरू होगी। जो लोग देखते हैं, अगर आप सबने देखी है मीडिया, मैं बहुत खुश हूँ कि जो मीडिया में लोग देख रहे हैं, दे मेकिंग श्योर कि बाकी देश की आवाम को ये मैसेज मिले कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिल्म ऑफ आर जनरेशन। बहुत कम ऐसी पिक्चरें होती हैं जो 2-2.5 घंटे के अंदर इतना बड़ा मैसेज दे जाती है, जो हम शायद सालों से कोशिश करता है देने का पर दे नहीं पा रहे थे। सो फुल क्रेडिट टू सुजीत दा एंड अमित जी एंड द एंटायर टीम एंड ऑल द गर्ल्स एंड एवरीबडी हुज़ वर्क्ड ऑन द फिल्म, इवन द बॉयज़ हुव चोज़न टू प्ले दोज पार्ट्स। कहीं ना कहीं टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड गट्स टू डू दैट, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। चलिए थैंक यू सो मच। मैं अपनी बहन को ज्यादा भेज देता हूं। जी जी, अरे पीछे तो फिर उनके नाच के बाल निकालने संडे की रात ना हो। चलो थैंक यू सो मच, संभाल के बाय। और जो सर, हां